क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि हल्द्वानी में एक लड़की ने भगवान श्री कृष्ण से शादी कर ली है। जी हाँ, ये कहानी है 21 वर्षीय हर्षिका की, जो बचपन से दिव्यांग है। हल्द्वानी के प्रेमपुर लोश ज्ञानी से सटे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाली पूरन चंद पंत की बेटी, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वसव मान लिया है। हर्षिका का प्रेम और समर्पण इतना गहरा है कि उन्होंने वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ सात फेरे लिए। ये शादी आज सुबह 10:30 बजे धूमधाम से हुई। गाजे बाजे के साथ बारात आई, वरमाला और फेरे हुए और लोग इस अनोखी शादी का हिस्सा बने। पूरे रीति रिवाज के साथ हर्षिका ने कान्हा के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा। पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने मंत्रोच्चार के साथ सात फेरे करवाए। खास बात यह है कि हर्षिका के माता पिता इस निर्णय से बेहद खुश हैं और उन्होंने बकायदा कन्यादान भी किया। अब भगवान श्री कृष्ण उनके दामाद बन गए हैं और वह उन्हें इसी रूप में पूजेंगे। हर्षिका की माता मीनाक्षी पंत ने बताया कि बचपन से ही हर्षिका का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है। वह बंद कमरे में भगवान की मूर्ति से बात करती, रोती और हंसती हैं। मगर राधा का नाम सुनते ही वो गुस्सा हो जाती हैं। अपनी शादी की पूरी खरीदारी हर्षिका ने खुद वृंदावन जाकर की। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के सामान के साथ अपने श्रृंगार का सामान भी वहीं से खरीदा। शादी करवाने वाले पंडित चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि इस कलयुग में उन्हें यह खास शादी कराने का मौका मिला। हल्द्वानी में नहीं, मेरे को लगता है कि पूरे उत्तराखंड में ये पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है, अपार खुशी है। जैसा उसका मन था वो आज का कार्य सफल हो गया। लोग इंसान को अपना दामाद बनाते हैं, मैंने भगवान को अपने दामाद बना रहा। आज भगवान कहा से मेरे घर में विराजमान है, मैं बहुत खुश। कब से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करी थी आज उसका? वो 9 साल से कान्हा जी के भगत और 11-12 करोड़ का बच्चे का बाकी इसको हम कलयुग की मीरा की संज्ञा दे सकते हैं इस बालिका को, बहुत ही भक्ति भाव से। और जो इसकी प्रक्रिया है, जो हमारे धर्म और शास्त्रों के अनुसार ही हम इस कार्य को कर रहे हैं, कुंभ विवाह के साथ कृष्ण विवाह। कृष्ण भगवान को भी हम वृंदावन गए थे, वृंदावन से लेके आए, वहाँ काट दिया, तत्पश्चात हम ये जब यहाँ आए, इसकी भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न है और लोगों को भी इसकी प्रेरणा मिले। हल्द्वानी से दीक्षा बिष्ट की रिपोर्ट।